किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है, लेकिन नए घर नए माहौल में मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। साथ ही बहुत डर भी लग रहा है कि क्या मैं सबको खुश रख पाऊंगी। देखो, सबको खुश रखना हमारे हाथ में नहीं होता है, बस अपने कर्मों को सही रखो, जो तुम्हारा धर्म है उसको पूरी तरह से निभाओ। अगर घर वाले बोलते हैं कि तुम भी हमारी बेटी की ही तरह हो, तो अपने आप को बेटी समझ मत लेना, क्योंकि एक बहू के कर्तव्य बेटी से कहीं ज्यादा ऊपर होते हैं। एक बेटी की कई बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन एक बहू से हमेशा सवाल किए जाएंगे। अपनी बाउंड्रीज को पूरी तरह से मजबूत करके रखना पड़ेगा कि तुम कितनी लिबर्टीज दूसरों के साथ ले सकती हो, और वहीं परिवार के दूसरे लोगों को तुम कितनी लिबर्टीज अपने साथ लेने देने वाली हो। रिस्पेक्ट और प्यार तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हमारे दिल में सबके लिए ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन उस रिस्पेक्ट और प्यार को मेंटेन करके रखना दूसरों के हाथ में होता है, और ये रिस्पेक्ट जो है वो अननेगोशिएबल होता है। तुम बहू हो स्पेशली इसीलिए। तुम भी उतना ही रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो परिवार में जितना कि दूसरे। देखो, शादी के बाद नया घर नए लोग नया परिवार सामंजस्य बिठाना सब लोगों के साथ मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं इस वक्त वो सबसे ज़्यादा हैंडी होगा। हर बार अपनी बातों को सभ्यता के साथ किस तरह से सबके सामने रखना है ये तुम्हें आना चाहिए। इस नए घर में तुम और तुम्हारा पति जो हैं वो एक ही टीम मेंबर हैं, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। चीज़ें तुमसे हैंडल नहीं हो पाती, कोशिश करना कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए वो हैंडल कर पाए। जब भी तुम्हारे ओपिनियन जो हैं वो दूसरों के साथ मैच ना करें, तो लड़ने की बजाय अपने ओपिनियन को फैक्ट्स के साथ दूसरों के सामने रखना ज़रूरी होगा, ताकि वो प्रॉपरली ये समझ पाएं कि आखिर तुम्हारे डिफरेंट ओपिनियन क्यों हैं। नए घर के कुछ ऐसे रिचुअल्स अगर जो तुम फॉलो नहीं कर सकती हो, उनको भी तुम्हें बताना पड़ेगा अपने परिवार को कि क्यों तुम फॉलो नहीं कर सकती हो। और जो प्रेसिडेंस तुम इनिशियली शुरुआत में सेट कर दोगी ना, तो लोग तुम्हें उसी तरह से आंकेंगे। अगर तुम पूरे टाइम सबमिसिव रहोगी तो लोग भी तुम पर हावी होना चालू कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही एक कॉन्फिडेंस रहेगा तो सब उस कॉन्फिडेंस की हमेशा रिस्पेक्ट भी करेंगे। शादी के बाद बहुत सारे तरह के कैरेक्टर्स तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, और धीरे धीरे करके ही तुम्हें ये एहसास होगा कि किन के साथ किस तरह की बाउंड्री तुम्हें मेंटेन करनी है। कुछ लोगों के साथ तुम्हें बिल्कुल भी जजमेंट महसूस नहीं होगा, वहीं बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत ज्यादा जज करने वाले हैं। पर इस नए घर में तुम अपने अस्तित्व को कभी मत खोने देना, अपनी सोशल लाइफ को बहुत मजबूत रखना, अच्छे दोस्त बना के रखना, तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन के साथ हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखना। मगर ऐसी बहुत सी चीजें होगी शादी के बाद जो कि अगर तुम अपने माँ बाप को बताओगी तो उन्हें समझ में शायद ना भी आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कई चीजों को वो नेगेटिवली भी ले सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा तुम्हें विचार करना पड़ेगा कि कितनी चीजें हमें बतानी है और कितनी छुपानी है, क्योंकि कई चीजें शादी के बाद एक लड़की के लिए बहुत प्राइवेट हो जाती है। और किस सर्कमस्टेंस में क्यों तुम्हारे साथ क्या हुआ या किसने क्या बोला, ये सबके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, और लोग अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को आंकने लगते हैं। इस चीज का भी तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शादी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पड़ाव होता है, कहते हैं ये दो परिवारों का मिलन भी होता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो दोनों परिवारों में म्यूचुअल होना चाहिए, और ये रिस्पेक्ट तुम्हारी बाउंड्री का एक हिस्सा होना चाहिए। देखो, शादी के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें खुश रखने में बहुत काम आएगा। उसके अलावा तुम्हारा पति तो है ही तुम्हें खुश रखने के लिए, उसके साथ हमेशा प्यार से रहना, जो भी गलतियां हैं उसे प्यार से समझाना, और एक दूसरे के साथ हमेशा कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखना, कभी भी लड़ाई करके सोने नहीं जाना, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे की गलतियां इस तरह से बताना जिससे
वो उन गलतियों को बेटर कर सके और सुधार ला सके अपने आप में। कभी भी भला बुरा कह के अपने ही पति को नीचा नहीं गिराना, क्योंकि वो तुम्हारा टीम मेंबर है ना, तो साथ में ही हम गेम जीत पाएंगे। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना। अगर मेरी बात पसंद आई तो ये बात उन सब लड़कियों के साथ जरूर शेयर करना जिनकी अभी नई नई शादी होने वाली है, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने के बाद बेल आइकॉन भी हिट कर ही दो। ठीक है, बाय।